गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज मीनिंग एंड टाइप ऑफ सेविंग। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सेविंग? एक्चुअली सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ अवर इनकम विच इज नॉट स्पेंड ऑन परचेजिंग गुड्स, on purchasing services. It is remain keep aside for meeting future expenses. Okay, saving हमारी income का वो part है जो हम goods and service को purchase करने में खर्च नहीं करते, बल्कि उसको उठाकर अलग रख देते हैं ताकि future के expenditure को हम पूरा कर सकें। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तब आपके और क्लियर हो जाएगा। सपोज आपकी इनकम है 25,000 और 25,000 में से आप 20,000 आप खर्च कर देते हैं गुड्स परचेस करने में, सर्विस परचेस करने में। अब आपने 25,000 में से 20,000 खर्च कर दिए, जो रिमेनिंग अमाउंट बाकी बचा 5,000 वो आपने उठाकर अलग रख दिए टू कीप असाइड। क्यों अलग रख दिए? ताकि फ्यूचर के जो एक्सपेंसेस हैं उन फ्यूचर के एक्सपेंसेस को आप पूरा कर सकें। ओके, फ्यूचर के दो एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता है। जैसे कोई इंसान है, वो उसको पहले से पता है कि मुझे सपोज आगे जाकर अपना हाउस कंस्ट्रक्ट करवाना है, या अपने बच्चे का एमबीए में या एमएसडब्ल्यू में एडमिशन करवाना है तो उसमें इतनी फीस जमा करना पड़ेगी। ये एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है उसका। लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो आपको पहले से पता नहीं होते। ठीक है, अब कोई एकदम एक्सीडेंट हो गया तो उसमें पैसा खर्च हो गया, कोई बीमार हो गया एकदम तो उसको उसमें काफ़ी अमाउंट खर्च हुआ। तो ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर हैं जिनके बारे में आप पहले से नहीं जानते। तो हमारी फ्यूचर के दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक तो एक्सपेक्टेड और एक अनएक्सपेक्टेड। इन फ्यूचर के एक्सपेंस को पूरा करने के लिए हम एक अमाउंट पहले से उठाकर अलग रख देते हैं ताकि हम फ्यूचर के एक्सपेंस को पूरा कर सकें। एज ए सेविंग हम उनको अलग रखते हैं। एक्चुअली आवर फ्यूचर इज अनसर्टेन, आवर फ्यूचर इज अनसर्टेन, नोबडी नो व्हाट विल बी हैपन इन फ्यूचर। हमारा फ्यूचर अनसर्टेन है, कोई भी नहीं जानता कि हम फ्यूचर में क्या हो सकता है। फ्यूचर में कोई बीमार भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई अनफॉर्सिन एक्सपेंस आ सकते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर के एक्सपेंस को पूरा करने के लिए एट प्रेजेंट हम कुछ अमाउंट अपने पास रखते हैं एज ए सेविंग, ताकि फ्यूचर के एक्सपेंस को हम पूरा कर सकें। ओके, अब सेविंग किसे कहेंगे? सेविंग हमारी इनकम का ही पार्ट है, क्योंकि 25,000 हमारी इनकम थी। सपोज उसमें से 20,000 हमने खर्च कर दिए गुड्स परचेस करने में, सर्विस परचेस करने में, तो 25,000 में से 20,000 हमने खर्च कर दिए गुड्स और सर्विस परचेस करने में। जो रिमेनिंग अमाउंट बचा 5,000, ये 5,000 हमारी इनकम का ही पार्ट है जो हमने गुड्स परचेस करने में एट प्रेजेंट खर्च नहीं किया, उसको हमने बचाकर अलग रख दिया ताकि फ्यूचर के एक्सपेंस को पूरा कर सकें। इस तरह से सेविंग हमारी इनकम का वो पार्ट है जो हम गुड्स एंड सर्विस परचेस करने में एट प्रेजेंट खर्च नहीं करते, उसको हम अलग उठा कर रख देते हैं ताकि फ्यूचर के एक्सपेंडिचर को पूरा कर सकें। इस तरह से हम सेविंग को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट प्रेजेंट। इट कीप असाइड फॉर मीटिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस। ओके, इट इज नोन एज सेविंग। सेविंग हमारी इनकम का वो पार्ट है जो हम गुड्स एंड सर्विस को परचेस करने में एट प्रेजेंट खर्च नहीं करते,
बल्कि उसको एट प्रेजेंट उठाकर अलग हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं ताकि फ्यूचर के एक्सपेंस को इस सेविंग में से पूरा कर सकें. ओके, सो सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट प्रेजेंट. इट कीप असाइड और इट कीप डिपॉजिट इन द बैंक फॉर मीटिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस. इसकी फर्स्ट डेफिनेशन हुई. सेविंग कैलकुलेट करने के लिए हम इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देते हैं. अगर हमारी इनकम 25,000 है, इसमें से हम कंजम्पशन 20,000 माइनस कर देंगे. इनकम 25,000, कंजम्पशन 20,000, तो इनकम में से कंजम्पशन माइनस किया, 25,000 में से 20,000 माइनस किया, जो 5,000 आ गया वो क्या है, हमारी सेविंग. तो सेविंग को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, इट इज ऑल्सो नोन एज सेविंग. ये एक तरह से सेविंग का फार्मूला है कैलकुलेट करने का. सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन. इन शॉर्ट, व्हाट इज सेविंग? सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ अवर इनकम विच इज नॉट स्पेंड ऑन परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट प्रेजेंट. वी कीप दिस अमाउंट एज ए वी कीप दिस अमाउंट इन द बैंक एज ए डिपॉजिट फॉर मीटिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस. ओके, सेविंग हमारी इनकम का वो पार्ट है जो हम गुड्स एंड सर्विस को परचेस करने में खर्च नहीं करते, बल्कि हम उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं या अपने घर में अलग रख देते हैं ताकि हम इसमें से अपने फ्यूचर के एक्सपेंसेस को पूरा कर सकें. ओके, और सेविंग कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला है एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी. सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन. क्लियर? देर आर टू टाइप ऑफ सेविंग, ऑटोनोमस सेविंग एंड इंड्यूस सेविंग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑटोनोमस सेविंग? ऑटोनोमस सेविंग इज दैट टाइप ऑफ सेविंग इन विच अमाउंट ऑफ सेविंग इज रिमेन सेम, आइदर अवर इनकम इंक्रीजेस और अवर इनकम डिक्रीजेस, बट द अमाउंट ऑफ सेविंग इज रिमेन सेम. ओके, द कर्व ऑफ ऑटोनोमस सेविंग इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस as shown in the diagram. On x-axis we take income, on y-axis we take saving. Our saving is 10, 20, 30, 40 and our income is 10, 20, 30, 40, 50, 60. If our income is 50, then saving is 20. It is your first point. If our income is 60, then saving is 20. It is second point. That is B. If our income is 40, then saving is 20. It is C point. When we join these point by a curve, this curve is known as saving curve. This saving curve is parallel to x-axis because the amount of saving is remain same. Okay, it is known as autonomous saving, and this autonomous saving is denoted by minus C bar or minus small a. So, what is autonomous saving? Autonomous saving वो saving होती है जिसमें हमारी saving का जो amount है वो fix रहता है, चाहे हमारी income increase हो चाहे हमारी income
डिक्रीज हो। ओके, हम इनकम इंक्रीज भी हो सकती है, इनकम डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन जो सेविंग का अमाउंट है वो क्या रहेगा, रिमेन सेम। तो ऑटोनोमस सेविंग वो सेविंग होती है जिसमें सेविंग का अमाउंट सेम रहेगा, जैसे 20 20 20 20, लेकिन इनकम इंक्रीज भी हो सकती है और इनकम डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में इनकम 50 से 60, इनकम इंक्रीज हुई लेकिन सेविंग 20 की 20 सेम रही। इनकम 60 से 40 डिक्रीज हुई लेकिन सेविंग 20 की 20 क्या रही, रिमेन सेम रही। तो ऑटोनोमस सेविंग इज दैट टाइप ऑफ सेविंग इन विच अमाउंट ऑफ सेविंग रिमेन सेम आइदर अवर इनकम इंक्रीजेस और इनकम डिक्रीजेस। ओके, सेविंग कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। व्हाई सेविंग कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज द अमाउंट ऑफ सेविंग इज रिमेन सेम आइदर इनकम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई द सेविंग कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, दिस ऑटोनोमस सेविंग इज डिनोटेड बाय माइनस सी बार और माइनस ए। इज इट क्लियर? कभी कभी प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है कि हम ये एक प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें हर साल इतना अमाउंट एज ए सेविंग बैंक में डिपॉजिट करना है। अब मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। कोई सपोज स्टूडेंट है, वो एट प्रेजेंट 12th क्लास में है, अब उसको एमबीए करना है, ये उसका टारगेट है, और एक अच्छी इंस्टीट्यूट से उसको एमबीए करना है जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी हो, 100% प्लेसमेंट हो, फैकल्टी बहुत अच्छी हो, जो टॉप 10 में आता हो, वहाँ से उसको एमबीए करना है। ठीक है, अब उसकी जो फीस है एमबीए की, सपोज वो है 16 लाख। दो साल का एमबीए है, 4 सेमेस्टर हैं, और 2 साल की जो टोटल फीस है सपोज वो है 16 लाख। अब एक स्टूडेंट एमबीए करना चाहता है जो 12th क्लास में है एट प्रेजेंट, वो आगे जाकर एमबीए करना चाहता है, लेकिन वो जो स्टूडेंट है वो एक मिडिल क्लास का की फैमिली से बिलोंग करता है। अब उस स्टूडेंट के फादर के पास एकदम इतने पैसे नहीं हैं कि वो उस स्टूडेंट का अब जो है वो एडमिशन करवा सकें और 16 लाख का खर्च कर सकें फ्यूचर में। एट प्रेजेंट एकदम उनके पास इतना सारा अमाउंट नहीं है, वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन बच्चा की कैरियर का सवाल है और बच्चा वो आगे जाकर करना चाहता है, उसकी लाइफ बन जाएगी, उसका कैरियर बन जाएगा। तो फादर सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेविंग करते हैं। अभी वो 12th क्लास में है तो एक साल उसको 12th क्लास में लगेगा, 3 साल वो बीकॉम या बीए करेगा, तो ये 4 साल हैं अभी, उसके बाद बीकॉम और बीए करने के बाद, बीकॉम या बीए करने के बाद वो एमबीए करेगा, यानी अभी 4 साल हैं। तो अब उसके जो फादर हैं स्टूडेंट के, वो 4 लाख रुपीस हर साल सेविंग कर रहे हैं, लगातार 4 साल तक 4 लाख रुपीस वो क्या करते रहे, सेविंग करते रहे। फर्स्ट ईयर उनकी इनकम थी 6 लाख, 4 लाख सेविंग की। सेकंड ईयर उनकी इनकम थी 7 लाख, 4 लाख सेविंग की। थर्ड ईयर उनकी इनकम थी 5 लाख 50,000, तो 4 लाख उन्होंने सेविंग की। फोर्थ ईयर उनकी सेविंग थी 8 लाख, इनकम थी 8 लाख, और सेविंग की उन्होंने कितनी, 4 लाख। यानी उनकी इनकम हर साल इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, लेकिन वो हर साल 4 लाख रुपीस सेविंग कर रहे हैं। 4 साल तक उन्होंने 4 लाख रुपए सेविंग की, और 4 साल में उन्होंने 16 लाख रुपए सेविंग कर ली, और अपने जो उनका चिल्ड्रेन है, चाइल्ड है, उस चाइल्ड का उन्होंने फिर उसमें उस एमबीए में एडमिशन 4 साल बाद करवा दिया, 16 लाख रुपए फीस डिपॉजिट कर दी। अब उनका ये एम था कि वो मुझे 4 साल के अंदर 16 लाख रुपए जो हैं वो जमा करने हैं, इसलिए उन्होंने हर साल 4 लाख उन्होंने सेविंग की और 16 लाख कर लिए। तो ये हर उनकी जो सेविंग का जो अमाउंट है 4 लाख 4 लाख 4 लाख सेम है,
चाहे उनकी इनकम 600 लाख हो, चाहे 7 हो, चाहे 5 लाख 50 हो, चाहे 8 लाख हो, इनकम उनकी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है लेकिन सेविंग वो फिक्स है, ठीक है, इसे प्लान सेविंग भी बोलते हैं। ओके, तो ऑटोनोमस सेविंग इज दैट टाइप ऑफ सेविंग इन विच अमाउंट ऑफ सेविंग इज रिमेन सेम आइदर अवर इनकम इंक्रीजेस और अवर इनकम डिक्रीजेस। द सेविंग कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज द अमाउंट ऑफ सेविंग इज रिमेन सेम एंड द ऑटोनोमस सेविंग कर्व इज रिप्रेजेंट इज डिनोटेड बाई माइनस सी बार और माइनस ए। ओके, नेक्स्ट वन इज इंड्यूस सेविंग। इंड्यूस सेविंग इज दैट टाइप ऑफ सेविंग इन विच अवर सेविंग इज डिपेंड अपॉन इनकम। इफ अवर इनकम इंक्रीजेस सेविंग विल आल्सो इंक्रीज, इफ अवर इनकम डिक्रीजेस सेविंग विल आल्सो डिक्रीजेस। इट मीन्स इनकम एंड सेविंग बोथ आर इंक्रीज और बोथ आर डिक्रीज, बोथ मूव इन द सेम डायरेक्शन। इट शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप, इट शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। ओके, ड्यू टू दिस डायरेक्ट रिलेशनशिप द सेविंग कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व इन केस ऑफ इंड्यूस सेविंग। इंड्यूस सेविंग वो सेविंग होती है जो हमारी इनकम पर डिपेंड करती है। अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग का अमाउंट भी इंक्रीज होगा, अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो सेविंग का अमाउंट भी डिक्रीज होगा। यानी इनकम और सेविंग दोनों एक साथ इंक्रीज होंगे, दोनों एक साथ डिक्रीज होंगे। ओके, इनकम और सेविंग में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। इस डायरेक्ट रिलेशनशिप की वजह से जो सेविंग कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। किस केस के अंदर? ऑटोनोम इंड्यूस सेविंग के अंदर, ठीक है। देख इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज हमारी इनकम है 40 और सेविंग 10, इनकम 50 सेविंग 20, ओके इनकम 30 सेविंग 5। अब हमारी इनकम 40 से 50, इनकम इंक्रीज हुई 40 से 50 तो सेविंग भी 10 से 20 क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और जब इनकम हमारी 50 से 30 डिक्रीज हुई तो सेविंग भी 20 से 5 क्या हो गई? वो डिक्रीज हो गई। इट मीन्स इनकम के साथ हमारी सेविंग क्या हो रही है? वो चेंज हो रही है। वेन एवर इनकम इंक्रीजेस सेविंग विल आल्सो इंक्रीजेस, वेन एवर इनकम डिक्रीजेस सेविंग विल आल्सो डिक्रीजेस। इनकम हम लेंगे एक्स एक्सिस पर और जो सेविंग है वो लेंगे हम वाई एक्सिस पर। 5, 10, 15, 20, 25 इनकम है इसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60। अगर इनकम 40 है तो सेविंग कितनी है? 10। इनकम हमने एक्स पर ली है तो इनकम 40 है तो 40 के ऊपर सेविंग 10 के सामने, फर्स्ट पॉइंट। इनकम 50 है और सेविंग 20, इनकम 50 है और सेविंग कितनी है इसमें आपकी? 20। इनकम 30 सेविंग 5, इनकम 30 है और सेविंग कितनी है इसमें आपकी? 5। इन पॉइंट को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन गया? सेविंग कर्व। तो सेविंग कर्व कैसा है? इसमें अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है? क्योंकि इनकम और सेविंग में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इस वजह से अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। ओके, सो इंड्यूस सेविंग इज दैट टाइप ऑफ सेविंग इन विच अवर सेविंग इज डिपेंड अपॉन इनकम। Whenever income increases, saving will also increases. Whenever income decreases, saving will also decreases. Both move in the same direction.
It showed direct relationship between income and saving. Due to this direct relationship, saving curve will be upward sloping curve. This induced saving is denoted by capital S. This induced saving is denoted by capital S. Okay. So these are the two types of saving. Okay. This topic is completed. Meaning of saving and type of saving. Your next topic is meaning of investment and type of investment. Meaning and type of investment. Autonomous investment and induced investment. First of all, what is investment? Investment is that expenditure which is occur in the production of any goods. In other words, investment is that expenditure which is occur in the establishment of any factory, industry or company. Investment may be defined as investment is that expenditure which is occur on purchasing capital goods like machine, technology, etc. In this way, we can explain investment in three ways. ओके इन्वेस्टमेंट को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं. अब वन बाय वन हम इन तीन डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे जो इन्वेस्टमेंट की तीन डेफिनेशंस हैं. अब देखिए इन्वेस्टमेंट की जो अलग अलग डेफिनेशन है इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? इन्वेस्टमेंट इज डेट एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री और कंपनी. किसी भी कंपनी को, किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में, सेटअप करने में जितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ वो टोटल एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा? आपका इन्वेस्टमेंट. सपोज आप लॉ की कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो लॉक की फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए आपने 5 लाख रुपीस की सपोज लैंड परचेज की. उस लैंड पर फिर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई. सपोज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाने में 3 लाख रुपीस खर्च हुए. फिर आपने मशीन परचेज की. मशीन परचेज करने में सपोज 2 लाख रुपीस खर्च हुए. उसके बाद आपने सपोज रॉ मटेरियल परचेज किया और रॉ मटेरियल परचेज करने में आपके 1 लाख रुपए खर्च हुए. तो लॉक की फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए आप सबसे पहले लैंड परचेज करते हैं, फिर लैंड के ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, फिर मशीन परचेज करेंगे, फिर रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, उसके बाद फिर लेबर को भी अपॉइंट करेंगे, उनको भी वेजेस देंगे. ठीक है. सपोज आपने वर्कर्स को अपॉइंट किया और उन वर्कर्स को आप वेजेस दे रहे हैं सपोज 50,000. इस तरह से आपका जो टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ लैंड, बिल्डिंग, मशीन, रॉ मटेरियल परचेज करने में या लॉक की फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने में टोटल कितना पैसा खर्च हुआ, जितना टोटल पैसा खर्च होगा वो क्या कहलाएगा? आपका इन्वेस्टमेंट. ठीक है. अब ये है इसमें आपका 11,50,000. तो लॉक की फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने में आपने 11,50,000 रुपए खर्च किया या लैंड, बिल्डिंग, मशीन, रॉ मटेरियल परचेस करने में आपने 11,50,000 रुपए खर्च किए. ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये आपका क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट. तो इन शॉर्ट व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? Investment is that expenditure which is occur in the establishment of any factory.
ओके, इन अदर वर्ड्स इन्वेस्टमेंट इज डेट एक्सपेंडिचर विच इज अकर ऑन परचेजिंग लैंड बिल्डिंग मशीन रॉ मटेरियल एक्सेट्रा. ओके, ये लैंड बिल्डिंग मशीन क्या कहलाते हैं? कैपिटल गुड्स. इस तरह से कैपिटल गुड्स परचेज करने में जो पैसा खर्च हुआ वो भी इन्वेस्टमेंट कहलाता है. ओके, ये जो आपने लॉक की फैक्ट्री इस्टेब्लिश की है, इसलिए इस्टेब्लिश की है ताकि आप लॉक मैन्युफैक्चर कर सकें. और लॉक क्या है? कोई भी पर्टिकुलर गुड्स है. इसका मतलब लॉक प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए आपने जितना पैसा खर्च किया 11,50,000, ये 11,50,000 जो एक्सपेंडिचर किया आपने लॉक या गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, ये 11,50,000 एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा? आपका इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट इज डेट एक्सपेंडिचर विच इज अकर इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स. Investment is debt expenditure which is occur in the production of any goods. ठीक है, अभी बताया था लैंड बिल्डिंग मशीन क्या है? कैपिटल गुड्स है. तो अब सेकेंड डेफिनेशन क्या है इन्वेस्टमेंट की? इन्वेस्टमेंट इज डेट एक्सपेंडिचर विच इज अकर ऑन परचेजिंग द कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स परचेज करने में जो एक्सपेंडिचर हुआ वो भी क्या कहलाएगा? आपका इन्वेस्टमेंट. कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने में जो पैसा खर्च हुआ वो भी क्या कहलाएगा? आपका इन्वेस्टमेंट. कोई भी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने में जितना टोटल पैसा खर्च किया आपने वो क्या कहलाएगा? आपका इन्वेस्टमेंट. और ये इस इन्वेस्टमेंट से आपको फ्यूचर में इनकम भी हो सकती है. आप एक लॉक जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 250 है, वही लॉक आप सेल कर रहे हैं 350 का. इसका मतलब एक लॉक को सेल करने में आपको 100 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट. एक लॉक को सेल करने में 100 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 250 का वो लॉक आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उस एक लॉक की कॉस्ट 250 है और सेल कर रहे हैं 350 का, यानी 100 रुपीस पर लॉक आपको प्रॉफिट हो रहा है. अगर आपने एक महीने के अंदर 1000 लॉक सेल किए तो इसका मतलब 1,00,000 रुपीस आपको एक महीने में प्रॉफिट हो जाएगा. तो इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है ताकि फ्यूचर में प्रॉफिट हो सके. अगर आप अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो इसलिए फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसलिए आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉफिट हो सके. ठीक है, लेकिन अगर आप किसी दूसरी जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिलता है 10% या 5%. इसका मतलब इन्वेस्टमेंट पर या तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, या अगर आप अपनी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है. इसका मतलब इन्वेस्टमेंट से या तो प्रॉफिट होगा या आपको इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट रिसीव करेंगे. दोनों केस में आपको इनकम हो रही है एक तरह से. तो इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है, या इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है वो इंटरेस्ट अर्न करने के लिए किया जाता है. उसका मेन मोटिव यही होता है. तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट को हम तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज डेट एक्सपेंडिचर विच इज अकर ऑन परचेजिंग कैपिटल गुड्स लाइक लैंड बिल्डिंग मशीन फर्स्ट. सेकंड डेफिनेशन इज इन्वेस्टमेंट इज डेट एक्सपेंडिचर विच इज अकर इन द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स. थर्ड डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट इज डेट एक्सपेंडिचर विच इज अकर for the establishment of any factory or company etc. and we done investment in order to earn profit or in order to receive interest. Okay, so investment is that expenditure which is occur in the production of goods so that we can earn profit. Investment is that expenditure which is occur on purchasing capital goods. Okay, these are the different definitions of investment. ओके, देर आर टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट.
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज डेट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन विच अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिमेन सेम. अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिमेन सेम. आइदर अवर इनकम इंक्रीजेस और अवर इनकम डिक्रीजेस. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सेम रहता है, चाहे हमारी इनकम इंक्रीज हो चाहे हमारी इनकम डिक्रीज हो. जैसे अभी ऑटोनोमस सेविंग आपने पढ़ी थी, जहाँ कोई वर्ड आए ऑटोनोमस इसका मतलब सेम है. ऑटोनोमस कंजम्पशन है तो कंजम्पशन का अमाउंट सेम रहेगा चाहे इनकम इंक्रीज हो चाहे इनकम डिक्रीज हो. ऑटोनोमस सेविंग है तो सेविंग का अमाउंट सेम रहेगा चाहे इनकम इंक्रीज हो चाहे इनकम डिक्रीज हो. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट सेम रहेगा चाहे इनकम इंक्रीज हो चाहे इनकम डिक्रीज हो. क्लियर? इस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व भी कैसा होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्या है? सेम है. इसके अंदर एक्स एक्सिस पर हम इनकम लेंगे और वाई एक्सिस पर हमने इन्वेस्टमेंट लिया है. इन्वेस्टमेंट 20, 40, 60 and 80. इनकम फोर्टी, फोर्टी फाइव, फिफ्टी, फिफ्टी फाइव, सिक्सटी, सिक्सटी फाइव एंड सेवेंटी. इनकम आपकी 50 है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 40. इनकम 60, इन्वेस्टमेंट 40. इनकम 45, इन्वेस्टमेंट 40. इन पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो इन्वेस्टमेंट कब हो गया? जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. ओके. सो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन विच अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम आइदर अवर इनकम इंक्रीज और डिक्रीज. The investment curve is parallel to x-axis because the amount of investment is remain same. Okay. Next one is induced investment. Induced investment is that type of investment which is depend upon income. If our income increases, investment will also increase. If our income decrease, investment will also decrease. इनकम एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर इंक्रीज और बोथ आर डिक्रीज. इट शो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट. ड्यू टू दिस डायरेक्ट रिलेशनशिप द इन्वेस्टमेंट कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. ओके. तो जहां भी कहीं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट आता है या इंड्यूस सेविंग आता है या इंड्यूस कंजम्पशन आता है तो उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि वो इनकम पर डिपेंड होगा. अगर इंड्यूस कंजम्पशन है तो कंजम्पशन हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा. इनकम इंक्रीज कंजम्पशन इंक्रीज, इनकम डिक्रीज कंजम्पशन डिक्रीज. अगर इंड्यूस सेविंग है तो सेविंग हमारी इनकम पर डिपेंड होगी. इनकम इंक्रीज सेविंग इंक्रीज, इनकम डिक्रीज सेविंग डिक्रीज. इसी तरह से अगर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट भी इनकम पर डिपेंड होगा. अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी तब इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा. क्लियर? इस तरह से इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है. इस वजह से इन्वेस्टमेंट जो कर्व होगा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के अंदर वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा इन्वेस्टमेंट का. क्लियर? सपोज इनकम 40, इन्वेस्टमेंट 20. इनकम 60, इन्वेस्टमेंट 40. इनकम 80, इन्वेस्टमेंट 60. इसमें इनकम और इन्वेस्टमेंट, इनकम भी इंक्रीज हो रही है इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहे हैं. जो एक्स एक्सिस है उस पर हम इनकम लेंगे और जो वाई एक्सिस है उस पर इन्वेस्टमेंट है. इनकम 40 है आपकी और इन्वेस्टमेंट 20. इनकम 60 और इन्वेस्टमेंट 40. इनकम 80 है और इन्वेस्टमेंट 60 है.
इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक इन्वेस्टमेंट कब हो जाएगा, वो कैसे है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। सो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन विच अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिपेंड अपॉन इनकम, वेन एवर इनकम इंक्रीज इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज, वेन एवर इनकम डिक्रीज इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो डिक्रीज। इट शो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू दिस डायरेक्ट रिलेशनशिप इन्वेस्टमेंट कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। ओके, ये दो टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए, मीनिंग ऑफ सेविंग एंड टाइप ऑफ सेविंग, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। दोनों टॉपिक एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर थे, दोनों के टाइप मीनिंग अलग अलग है इन्वेस्टमेंट और सेविंग के, लेकिन टाइप्स दोनों के सेम थे। ओके, थैंक यू।